गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 10, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 11, अलजेब्रा। ओके, तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 11.4 मीन प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट किया था। अब इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.4 का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ए गिवन मुन्नूस एज टू बी एक्स ईयर, क्या बता रहा है? आप लोगों को दिया हुआ है एक मुन्नू नाम का लड़का है जिसका एज क्या है? एक्स ईयर। ओके, कैन यू गेस व्हाट एक्स माइनस टू में शो, क्या आप बता सकते हो कि एक्स माइनस टू क्या शो कर रहा है? आपको हिंट भी दिया है, क्या दिया है? थिंक ऑफ मुन्नूस यंगर ब्रदर, आप मुन्नू के यंगर ब्रदर का थिंक ले सकते हो। तो हम सपोज कर लेते हैं चुन्नू इज अ यंगर ब्रदर ऑफ मुन्नू। ओके, जो चुन्नू है वो यंगर ब्रदर किसका है? मुन्नू का। कितना यंगर है? 2 ईयर यंगर देन चुन्नू। ओके, 2 ईयर यंगर देन मुन्नू, देयरफॉर एक्स माइनस टू, ये क्या आया? चुन्नूस एज, चुन्नू का एज आ गया समझ में। चुन्नू का एज क्या आया? एक्स माइनस टू, क्योंकि वो 2 ईयर यंगर है देन मुन्नू। अब नेक्स्ट लिखा है कैन यू गेस व्हाट एक्स प्लस 4 में शो, व्हाट 3x प्लस 7 में शो, क्या आप गेस कर सकते हो? एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस 4 क्या, तो एक्स प्लस 4 क्या बताएगा? 4 ईयर ओल्डर देन मुन्नू, मुन्नू से 4 ईयर ओल्डर है, 4 ईयर बड़ा है, तो x प्लस 4। एंड 3x प्लस 7, तो 3 टाइम्स ऑफ मुन्नू से 3 टाइम्स ऑफ मुन्नू एज एंड 7 ईयर जो है वो प्लस होगा। किसकी एज हो सकती है? फादर की एज मुन्नू के, तो देन क्या हो जाएगा? 3x प्लस 7। आ रहा समझ में? तो इस तरह से, इस वे में हम अच्छे से इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट एंड अंडरस्टूड इट, हाउ कैन यू क्लियर इट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है गिवन सारा से स्टडी टू बी वाई ईयर, क्या बता रहा है? सारा की जो एज है वो आपको वाई ईयर दी हुई है। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर, फ्यूचर में आपको क्या करना है? थिंक करना है क्या? उसकी एज को, किसकी? सारा की, सारा की एज को फ्यूचर में क्या करना है? थिंक करना है। और इन द पास्ट, और पास्ट में व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इंडिकेट, तो ये एक्सप्रेशंस क्या बताएंगे? ओके, तो उसकी एज जो है वो हमें फ्यूचर एंड पास्ट में लिखना है। तो सपोज हम सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि सारा प्रेजेंट एज, सारा की प्रेजेंट एज क्या है? वाई ईयर, क्या है? वाई ईयर। ओके, अब हम फ्यूचर एंड पास्ट ले सकते हैं, तो आफ्टर 7 ईयर, आफ्टर 7 ईयर द सारा सेज वाई प्लस 7, बिफोर 3 ईयर, बिफोर 3 ईयर सारा सेज वाई माइनस 3। ओके, फिर आफ्टर 4.5 ईयर, 4.5 ईयर क्या हो जाएगा? y प्लस 4 1 अपॉन 2,
बिफोर टू एंड हाफ ईयर, बिफोर टू एंड हाफ ईयर, तो y माइनस टू वन अपॉन टू। आ गया समझ में? तो इस वे में इजीली हम जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उन एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सी पे जाते हैं हम, इसी थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया है? गिवन एन स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट वे टू एंड सो। ओके, तो गिवन एन स्टूडेंट इन द क्लास लाइक फुटबॉल, व्हाट वे टू एंड सो, what may and by do so he thinks of games other than football। तो बता रहा है आपको कि n students हैं जो क्लास में जिन्हें फुटबॉल पसंद है खेलना, जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है। what may do and so, do and क्या so कर रहा है? तो वो हमें so करना है according to condition। What में n by 2 so, n by 2 क्या show कर रहा है? वो भी हमें according to condition show करना है। अब hint क्या दिया हमें? Thinks of games other than football। आप कोई भी game think out कर सकते हो football के अलावा। तो हम solution करते हैं। Students like फुटबॉल, स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, कितने स्टूडेंट हैं? एंड स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं? एंड स्टूडेंट। ओके, अब व्हाट में टू एंड सो, टू एंड क्या सो कर रहा है? तो हम कोई भी गेम ले सकते हैं, सपोज like the game hockey, ठीक है, number of students like the game hockey is double than the student like football, football वाले इतने student लाइक करते हैं, उसके डबल जो है वो हॉकी करते हैं, तो दैट मीन क्या हो जाएगा? टू एंड। ओके, और हाफ ऑफ द स्टूडेंट, हाफ ऑफ द स्टूडेंट लाइक कबड्डी देन फुटबॉल, फुटबॉल जो लाइक करते हैं उनके हाफ जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं? कबड्डी लाइक करते हैं। तो n by 2 आ रहा है समझ में? तो इस वे में आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा एक्सरसाइज 11.4 है ना, वो यहाँ कंप्लीट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे होमवर्क में दे देता हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज होमवर्क में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 11.4 जो है उसे एक बार प्रैक्टिस आउट करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस आउट करना है 11.4 एक्सरसाइज। ओके, तो होमवर्क में से प्रैक्टिस आउट करना, अच्छे से आप अंडरस्टूड कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम एक टॉपिक समझेंगे इसी लेक्चर में जो हमारी अगली एक्सरसाइज में हमें हेल्प करेगा। ओके, तो वो टर्म क्या है अब देखते हैं। ओके, नाउ वी नो द टू टर्म्स विच इज मोस्ट हेल्पफुल इन अवर एक्सरसाइज 11.5। ठीक है, हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं कि जो हमारा जो एक्सरसाइज 11.5 है ना उसमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। क्या है वो? फर्स्ट वन इज व्हाट इज एन इक्वेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, मतलब कि कोई भी इक्वेशन हो
और सेकंड उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आता कैसे है। तो आपके माइंड में अभी तक ये चीजें फिट होगी कि अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज हमने सॉल्व आउट की 11.1 से 11.4 तक जितनी भी एक्सरसाइज अभी तक हमने सॉल्व की वो सारी किसके ऊपर बेस थी, एक्सप्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर बेस थी, एक्सप्रेशन के ऊपर। मींस अब जो एक्सरसाइज आने वाली है 11.5 आई थिंक यही लास्ट एक्सरसाइज है, वो किस पे बेस है, इक्वेशन पे। किस पे बेस है, इक्वेशन। ओके तो आ रहा है समझ में आपको कि अभी तक की जो भी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट की वो किसके बेस पे थी, एक्सप्रेशन के बेस पे थी। लेकिन अब जो एक्सरसाइज आने वाली है वो किसके बेस पर है, इक्वेशन के बेस पे है। किसके बेस पे है, इक्वेशन के बेस पे। तो सबसे पहली टर्म ये है हमें सीखना कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। तो चलो हम एक चीज रिकॉल करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉल। तो क्या रिकॉल करेंगे हम, ऑलरेडी हमें पता है क्या, एल मैं स्टिक से जो हम एल बनाते थे पैटर्न, याद आया, एल पैटर्न याद आ गया ना। मैं स्टिक से जो हम एल पैटर्न बना रहे हैं वो एल पैटर्न बनाया हमने, वन यहाँ पे टू एल पैटर्न हैं, फिर वैसे ही आगे जाएंगे तो थ्री एल पैटर्न हो जाएंगे, थ्री एल पैटर्न हैं। ओके मीनिंग क्या है, एल पैटर्न हैं। तो इंसर्ट इसका हमें रूल क्या मिला था, जनरल रूल क्या मिला था, जनरल रूल मिला था 2n, क्या मिला था 2n, ठीक है। इसका जनरल रूल क्या मिला, 2n। आ रहा है समझ में, आ रहा है जनरल रूल क्या है, 2n। अब हम किसकी बात करते हैं, ये जनरल रूल इसका 2n, अब हम किसकी बात कर रहे थे, एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है, जैसे कि जनरल रूल है ना 2n, जस्ट इसे लिखेंगे तो ये है हमारा एक्सप्रेशन, और इसी को 2n इज इक्वल टू सपोज यहाँ 10 लिख दिया तो ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन। तो क्या डिफरेंस होता है, ये हमें याद रखें कि एक्सप्रेशन में कोई भी इक्वल टू नहीं होता, एक्सप्रेशन में क्या नहीं होता, इक्वल टू नहीं होता। कोई भी एक्सप्रेशन है ना तो उसमें इक्वल टू की साइन नहीं आएगी, एक्सप्रेशन में इक्वल टू इज नॉट प्रेजेंट। एक्सप्रेशन में क्या होगा, इक्वल टू प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम बात इक्वेशन की करेंगे तो इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल टू प्रेजेंट होगा, इक्वेशन में क्या होगा, इक्वल टू प्रेजेंट होगा। आ गया समझ में, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें इक्वल टू की साइन नहीं होती, ऐसी जो इक्वल टू की साइन है वो इक्वल टू की साइन एक्सप्रेशन में नहीं होती, और जो इक्वेशन में है उसमें इक्वल टू की साइन होती है। ओके अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन क्या होता है या इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन समझ लिया। अब क्या है हमारा नेक्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशन का क्या करना है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सपोज कि हम वही सेम इक्वेशन लेते हैं एल पैटर्न वाला, कि इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2n इज इक्वल टू 10, 2n इज इक्वल टू 10। ये आपको एक इक्वेशन दिया है जिसका सॉल्यूशन इजी वे में हम कर सकते हैं, क्या जैसे कि 2n है इज इक्वल टू 10 है, तो इसके लिए दो रूल अप्लाई हो सकते हैं नॉर्मली, क्या LHS RHS, ये LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ओके तो 2n हमारा LHS है, 10 हमारा
RHS है। अब ये 2N है तो 2N, ये हमारा 10 है, इसको जीरो करने के लिए यहाँ 10 से माइनस करेंगे तो यहाँ भी 10 से माइनस करेंगे। तो क्या किया, 10 से माइनस बोथ साइड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 10 इन बोथ साइड, तो ये हो गया 2N माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। ओके, 2N माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेने के लिए, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सॉल्यूशन चाहिए ना हमको, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, 2n बाय 2 इज इक्वल टू 10 बाय 2, तो देन 2 से 2 कट हो गया, तो n इज इक्वल टू 5, तो n क्या मिल गया हमको, 5। अब n की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, 5 इज इक्वल टू 25 सा 10, आ गया आंसर 25 सा 10, मिल गया आंसर। तो इस वे में हम जो भी एक्सप्रेशंस हैं उन्हें हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, अब एक्सरसाइज जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।